हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पेट्स की दुनिया। आज एक आपके सामने छोटी एक जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन फिशर लव बर्ड का पैर है। इसने 4 अंडे दिए थे और चारों ही चिक्स बाहर आ चुके हैं। तो मैं आज आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, बेसिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आपका जौन सा भी बर्ड है वो अंडे देता है और उसमें से चिक्स बाहर आ चुके हैं, तो आपको डेली बेसिस पे उसको सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करने देना है। तो मैं आपके साथ वो भी दिखाता हूँ कि मैं क्या सॉफ्ट फूड देता हूँ। मैं डेली बेसिस पे सॉफ्ट फूड देता हूँ अपने हर बर्ड को, और जिनके चिक्स निकल चुके हैं ख़ास तौर पर उनका बहुत ही ध्यान रखता हूँ। और सॉफ्ट फूड मैं हमेशा डेली बेसिस पे देता हूँ और चेंज करके देता हूँ, एक ही तरह का सॉफ्ट फूड मैं नहीं देता। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं सॉफ्ट फूड में क्या क्या दे रहा हूँ। सॉफ्ट फूड देने का रीज़न होता है कि आपका बर्ड तो खाएगा ही खाएगा, और अपने वो जो चिक्स को, जो बच्चों को खिलाएगा, तो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बोन्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए, ये मैंने रात को अच्छी तरह से वॉश करके और क्लीन करके और ये रात को भिगो के रखे थे। इसमें हैं छोले, काले चने, चावल, काला मूंग, सफ़ेद मूंग। ये मैंने इनको अभी मैं देने जाऊंगा और दिखाऊंगा कि कितने शौक से खाते हैं और अपने बच्चों को ये खिलाते हैं। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डेली बेसिस पे दें और हमेशा चेंज करके देखिए। ये देखिए, इतना सॉफ्ट है कि ये बर्ड तो खाएगा, उसे डाइजेस्ट हो जाएगा, और बच्चे जो खाएंगे उनको भी इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर कम होती है और बड़ों की ज़्यादा होती है। तो बड़े इसे इजीली डाइजेस्ट कर सकेंगे, लेकिन इतना सॉफ्ट होगा तो वो बच्चे भी इजीली डाइजेस्ट कर लेंगे। अगर हल्का सा, अगर वो हार्ड होता है तो आप उसको हल्का सा बॉईल करके और ठंडा होने पर भी दे सकते हैं, जिससे वो एकदम सॉफ्ट हो जाए, बर्ड को खिलाने में और खाने में दिक्कत ना आए। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें, डेली बेसिस पे जिनके चिक्स निकल चुके हैं उनको सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करें, ताकि बर्ड की को भी बार बार उसको बच्चों को फीड नहीं कराना पड़ेगा। काफ़ी लंबे टाइम तक बच्चों के पेट भरे रहेंगे, जिससे कि आपका बर्ड भी बार बार थकेगा नहीं। तो बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हैं दोनों, इन्होंने मुझे काफ़ी बार अच्छे चिक्स दिए हैं, और वो सभी अभी बहुत ही बेहतरीन हैं और बहुत ही हेल्दी हैं और अच्छे हैं। तो आप भी डेली बेसिस पे अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड दें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे खिलाते हैं। ये देखिए, अब मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ, अब ये फादर आया है, अब मदर भी आएगी, दोनों ही थोड़ा सा खाएंगे और फटाफट अपने बच्चों को खिलाएंगे। बहुत ही शौक से खाते हैं। आपको उस टाइम पानी का और खाने का बहुत ध्यान रखना है। तो आने वाले नए वीडियोज़ के चैनल को प्लीज़ शेयर करें।